चल रहे हैं, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन से कोई ऐसा सर्वर का वास्ता भी नहीं है। हाँ, हालांकि जो कुछ एयरलाइंस जैसे इंडिगो, आकाशा ने एप्लीकेशंस कुछ अपने उन्होंने अपनी सुविधा और पैसेंजर सुविधा के लिए होस्ट कराए थे किसी सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर होगा उस सर्वर में शुरू है, उनके एप्लीकेशन रन करने में कठिनाई है, लेकिन बाकी ऑपरेशंस सभी चल रहे हैं। मैनुअल रूप से उनके जो बोर्डिंग कार्ड और ये जो हो रहे हैं सब मैनुअल रूप से जारी किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो एप्लीकेशन उनकी नहीं चल रही है तो उसको लेकर यहाँ पे कोई पैसेंजर का मतलब डिले हो रहा है या फ्लाइट डिले हुई है कोई, या किस तरह की समस्या? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब सामान्य रूप से चल रहा है। अभी तक कोई फ्लाइट ऐसे एबनॉर्मल डिले नहीं, ना आने में हुई है ना जाने में डिले हुई है। प्रोसेसिंग टाइम अगर फ्लाइट में 20-25 मिनट लगता, हो सकता है 5 मिनट और लग जाए, लेकिन बाकी एसएस कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। एयरलाइंस की तरफ से आपको कुछ आया है जिनमें प्रॉब्लम आ रही है उनकी तरफ से? नहीं नहीं, मैंने एयरलाइन से बात भी करी थी इंडिगो से कि अगर कोई दिक्कत, उनका सिस्टम में नहीं, मैनुअल सिस्टम से काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। भोपाल एयरपोर्ट में कोई परेशानी नहीं। सर अपने यहाँ से रेगुलर कितनी पर डे? हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ पर डे लगभग 37 मूवमेंट है, 36-37 मूवमेंट के आसपास भोपाल में रहते हैं, और उसमें अभी तक जो फर्स्ट हाफ हुआ है उसमें कोई परेशानी नहीं। तो अभी जो भी मतलब जो सॉफ्टवेयर्स होते थे उनके वो सारे मैनुअल हो रहे हैं, तो उसमें जैसे एयर इंडिया को उसमें परेशानी, क्योंकि एयर इंडिया भी मेजर ऑपरेटर है कंट्री का, उसमें उनका सॉफ्टवेयर वहाँ पे होस्ट नहीं है। एयर इंडिया का सॉफ्टवेयर बराबर काम कर रहा है, इंडिगो के सॉफ्टवेयर में इशू है, वो जल्दी वो अपना अगर DC में प्रॉब्लम है DR में होस्ट कर लेंगे, सामान्य रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे भी। I do, because even at work we are all impacted with this outage today morning. What happened? What kind of issues are you facing? Our laptops are not to be switched on at all, but the issues in the airport is I think the Digi Yatra is not working. A lot of us have gotten so used to the seamless, contactless transition into the airport. I see long queues now. I think it's going to take me at least 45 minutes, 1 hour to get into the airport. I don't know how long the security is going to take. And right now I'm not even sure of the impact on the timings of the flight as well.